आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है संधि। वर्ण संधान को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल अथवा संधान को संधि कहा जाता है। मेल अर्थात संधान, यानी संधान का अर्थ है मेल। इस प्रकार संधि की परिभाषा बनती है, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है, यानी संधि में दो वर्णों का मेल होता है। उसी प्रकार समास में दो शब्दों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। संधि के तीन भेद बताए गए हैं, यानी संस्कृत व्याकरण में संधि के तीन भेद बताए गए हैं। पहला अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि को स्वर संधि कहा जाता है और हल संधि यानी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि में दो स्वरों का मेल होता है, अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों स्वर होते हैं। और व्यंजन संधि में एक स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं, यानी व्यंजन संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों व्यंजन हो सकते हैं, या एक स्वर और एक व्यंजन हो सकते हैं। जबकि स्वर संधि में दोनों वर्ण स्वर होते हैं और व्यंजन में दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं और एक स्वर और एक व्यंजन हो सकता है। और विसर्ग संधि, इसको पहचानने का तरीका यही है कि अगर संधि विच्छेद की गई है तो प्रथम पद के अंत में विसर्ग होता है, विसर्ग तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। यानी प्रथम पद के अंत में विसर्ग और द्वितीय पद के शुरू में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, उन दोनों के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि पढ़ेंगे, यानी संधि के जो तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो प्रथम भेद, पहला भेद जो है, आज हम स्वर संधि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्वर संधि, जैसा मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि में दोनों स्वर होते हैं, यानी स्वरों का मेल होता है। तो स्वर संधि की परिभाषा है, जिसमें प्रथम पद यानी शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों स्वर होते हैं। यानी स्वर संधि में जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों क्या है, स्वर होंगे, और उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहलाती है। हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे रत्न प्लस आकार, यानी रत्न धन आकार, यानी इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो बनता है रत्नाकर। यानी मैंने कहा था स्वर संधि में प्रथम पद, यानी ये देखो है प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर होगा, न में अ मिला हुआ है तो अ स्वर है, और उसके बाद है आ, आ भी स्वर है, तो न में जो अ है और यहाँ पे है आ, अ और आ दोनों का मेल हुआ, दोनों स्वर है, तो क्या बन गया, रत्नाकर। विद्या प्लस आल्य, विद्या में अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ है, आ प्लस आ का आ बन गया विद्यालय। रवि प्लस इंद्र, रवि में ई छोटी ई और यहाँ पे भी छोटी है, ई और ई बड़ी बनती है तो आ गया रविंद्र। यानी रत्न प्लस आकार रत्नाकर, विद्या प्लस आल्य विद्यालय, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के सात भेद होते हैं, जिनमें से पहला है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि है यण संधि, पांचवा अयादि संधि, छठा पूर्व रूप संधि और सातवां है पर रूप संधि। यानी स्वर संधि के सात भेद होते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। स्वर संधि, जैसा मैंने बताया, स्वर संधि में दोनों वर्ण स्वर होते हैं, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों स्वर होंगे। स्वर संधि के सात भेद पढ़े हमने, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप। अब सबसे पहले हम दीर्घ संधि को डिटेल में पढ़ते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ का जैसा नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ माने बड़ा, यानी दीर्घ माने बड़ा होना, तो साधारण भाषा में आ जाता है। जब इसकी परिभाषा करते हैं, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ ऋ ऋषि के बाद समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मतलब क्या है, ह्रस्व यानी छोटा अ छोटी ई छोटा उ और ऋ ऋषि,
दीर्घ बने बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा री ऋषि। तो जब देहस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी के जैसा समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है। जैसे ए प्लस ए है तो आ बनेगा, एक ए और एक आ है तो भी आ, दोनों बड़ा आ है तो भी बड़ा आ। तो दीर्घ संधि में क्या हो जाता है, दो स्वर समान होते हैं, चाहे वो हस हो या चाहे दीर्घ हो, दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। मतलब हो गया बड़ा होना, यानी अगर दोनों हस स्वर है तो भी दीर्घ हो जाएगा, और एक हस हो और एक दीर्घ है तो भी मिलके दीर्घ होगा, और अगर दोनों दीर्घ स्वर है तो दो भी मिलके दीर्घ होंगे। इसको हम नियम के अनुसार, एक ट्रिक के अनुसार समझेंगे। जैसे अ प्लस ए, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण में ए है और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में ए है, तो दोनों मिलके क्या बनेगा, आ, यानी आ क्या बन गया, दीर्घ स्वर। जैसे मुर प्लस अरिह मुरारी, मुर र में ए है और इधर भी है, तो ए प्लस ए बन के आ बन गया मुरारी। उसी प्रकार अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ है, तो ए प्लस आ का आ बना, यानी दीर्घ बन गया। हिम प्लस आल्यह, हिम में मय में ए है और यहाँ आ है, तो ए प्लस आ का आ बनता है हिमालय। उसी प्रकार अगर आ प्लस आ, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी आ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी आ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ा आ बन गया। विद्या प्लस आल्यह, यानी विद्यालय है। इसी नियम को आगे देखते हैं। अगर छोटे ई प्लस छोटे ई है तो वो बड़ी ई बनेगी, यानी हस ई, और इधर भी हस हुई है तो वो दीर्घ ई बन जाएगी। रवि प्लस इंद्र, यानी रविंद्र, रवि में छोटी ई है और इधर भी ई है, तो ई प्लस ई बड़ी ई बन गया रविंद्र। अगर छोटी ई प्लस बड़ी ई है तो भी बड़ी ई बनेगा, परी प्लस इक्षाह परीक्षा। अगर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ दोनों मिलके बड़ा ऊ बनता है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण में भी छोटा ऊ है और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में भी छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ ऊ, यानी बड़ा ऊ बन जाता है। भानु प्लस उदय भानुदय है। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, यानी प्रथम पद के अंत में बड़ा ऊ है और द्वितीय पद के का प्रथम वर्ण छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है, यानी दीर्घ बन जाता है। वधु प्लस उपदेशः वधुपदेशः। री ऋषि प्लस री ऋषि बड़ा री ऋषि बनता है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण री है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी री ऋषि है, तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाता है, यानी बड़ा री ऋषि बन जाता है। पितृ प्लस ऋणम पितृऋणम। हमने संधि की परिभाषा, संधि के भेद पढ़े तथा स्वर संधि को डिटेल में पढ़ा। स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कुल सात भेद होते हैं। सात भेदों में से आज हमने प्रथम भेद दीर्घ संधि को पढ़ा, यानी दीर्घ मने बड़ा होना। जब हस्व या दीर्घ या दोनों हस्व या एक हस्व या एक दीर्घ या दोनों अगर दीर्घ है, वर्ण मिलकर दीर्घ वर्ण हो जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि में ए से लेके री ऋषि तक के स्वर आते हैं, यानी अ आ ई और री ऋषि। तो दीर्घ संधि में ए से लेके री ऋषि तक के स्वर आते हैं, और ये चाहे दोनों हस्व है या दोनों दीर्घ है, या एक हस्व या एक दीर्घ स्वर है, तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। दीर्घ संधि के नियम बनते हैं। ए प्लस ए का आ, अगर ए और आ है तो भी आ बनेगा, और दोनों आ है तो भी आ बनेगा। ई प्लस ई बड़ी ई, बड़ी प्लस बराबर बड़ी, अगर दोनों छोटा हुआ है तो भी बड़ा हुआ बनेगा, दोनों बड़ा हुआ है तो भी बड़ा हुआ, और एक छोटा हुआ और एक बड़ा हुआ है तो भी बड़ा हुआ, यानी दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, री ऋषि अगर दोनों है तो बड़ा री ऋषि बनेगा। इस प्रकार दीर्घ संधि में ए से लेके री ऋषि तक के स्वर आते हैं, और हस्व और दीर्घ स्वर दोनों मिलकर दीर्घ बनते हैं। चाहे प्रथम पद का अंतिम वर्ण हस्व है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हस्व है, तो दोनों मिलकर दीर्घ बनेंगे। अगर दोनों दीर्घ है तो भी दीर्घ बनेंगे, और एक वर्ण हस्व और एक वर्ण दीर्घ है तो भी मिलकर दीर्घ बनेंगे।